अस्सलाम वालेकुम। मेरी और मेरी टीम की तरफ से तमाम आलम इस्लाम को ईद मुबारक। ईद हम तमाम मुसलमानों के लिए अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है। इस रमज़ान हमने जो भी इबादतें की, अल्लाह उनको कबूल फरमाए, और इबादतों में जो भी कमी कोताही हमसे रह गई, अल्लाह उनके लिए हमें माफ़ फरमाए। और हमें कोशिश करनी है कि इस ईद पर जो हमसे नाराज़ हैं या हम जिनसे नाराज़ हैं, जो हमसे नहीं मिलना चाहते या हम जिनसे नहीं मिलना चाहते, हम उन्हें हिम्मत करें और कोशिश करें और उनको जाके ईद मुबारक कहें। ये काम मुश्किल तो है, लेकिन इसका अजर बहुत बड़ा है। और अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग जो ईद नहीं मना सकते, उनका ख्याल रखें और उनको भी अपनी खुशियों में शामिल करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये पैगाम आगे तक ज़रूर पहुँचाएँगे। इस ईद पर अल्लाह आपको खुश रखे और दूसरों के लिए भी खुशियाँ लाने की तौफीक अदा फरमाए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस ईद पर दूसरों के लिए खुशियों का बाइस बनेंगे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये ईद बहुत तकलीफ़ दे हो, क्योंकि जिन लोगों के साथ हम लोग अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें अपने पास बुला लिया हो। लेकिन हमें ये बात याद रखनी है कि जो इंसान पैदा हुआ है, उसे मौत का मज़ा चखना है। तो हमें इस ईद पर अपने प्यारों को भी याद रखना है और अपनी ईद भी खुशी के साथ मनानी है। आखिर में आप लोगों से दरख्वास्त करूंगी कि जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे मुल्क के सियासी हालात बहुत ख़राब हैं, तो आप लोग भी मिलके अल्लाह ताला से दुआ करें कि ऐ अल्लाह, हमारे ऊपर ऐसे हुक्मरान नाफिज़ कर जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो।